आज एयरो इंडिया का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में मेक इन इंडिया की पहल। एयरो इंडिया में 300 विदेशी फर्म हो रहे हैं शामिल, इनमें से 64 अमेरिकी कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। वायुसेना का स्वदेशी तेजस सहित सुखोई, एमकेआई और मिराज 2000 भरेंगे उड़ान। 18 से 23 फरवरी तक चलेगा शो। पहली बार विदेशी एरोबेटिक्स की टीम ले रही है एयर शो में हिस्सा। 3000 फुट की ऊंचाई पर दिखाएंगी करतब। रूस की जानी मानी फ्लाइंग बुल्स टीम की अगुवाई कर रही है 65 साल की महिला पायलट। इंग्लैंड से आई टीम ब्रेटलिंग का भी प्रदर्शन। मोदी का नाम लिखा गोल्डन सूट, आज होगा नीलाम। ओबामा के भारत दौरे में मोदी ने पहना था बहुचर्चित सूट। आज सुबह 9:30 बजे सूरत में शुरू होगी नीलामी। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में नीलामी के लिए रखा जाएगा सूट। गंगा की सफाई में खर्च होगी तोहफों की नीलामी से मिलने वाली धनराशि। मोदी को मिले कुल 455 तोहफों की होगी नीलामी। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के तोहफों की भी होगी नीलामी। लड़कियों के हित के लिए खर्च किया जाएगा पैसा। मोदी का ये चर्चित सूट दिल्ली विधानसभा चुनाव में आया था विवादों में, राहुल गांधी ने साधा था निशाना। सूट की नीलामी का कांग्रेस का तंज, हार की वजह से अपशकुन हटाने के लिए लगाई जा रही है इसकी बोली। जिस सूट की वजह से दिल्ली का चुनाव हार गए, लगता है कि वो बदशगुनी को अपने से दूर कर देना चाहते हैं। आज मोदी के सूट की नीलामी को हथियार बनाकर कांग्रेस प्रधानमंत्री से पूछेगी 5 सवाल। क्या मोदी जी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं नीलामी? कांग्रेस ये भी पूछेगी मोदी ने महंगे सूट का गिफ्ट लिया ही क्यों था, और अगर अपने नाम का महंगा सूट तोहफे में ले भी लिया तो उसे पहना क्यों? दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद आज पहला जनता दरबार लगाएंगे सीएम केजरीवाल। गाजियाबाद के पार्टी कार्यालय में लगाएंगे जनता दरबार। सस्ती बिजली और मुफ्त पानी को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं, आज ऊर्जा और वित्त विभाग के सचिवों से मिलेंगे केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, नई नीति बनने तक अस्थायी कर्मचारियों की छटनी पर रोक। एम्स के सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को अपना ओएसडी बनाना चाहते हैं केजरीवाल, पर्यावरण मंत्री को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में ई रिक्शा चालकों का केजरीवाल के घर के बाहर धरना, दिल्ली पुलिस पर सताने का आरोप लगाते हुए दिया धरना। ई रिक्शा चालकों को केजरीवाल ने दिया भरोसा, कहा धरने से निकले हल तो आप यहीं बैठे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया पर निकाली भड़ास, कहा मीडिया मुझे काम नहीं करने दे रही। किरण बेदी ने भी ट्वीट कर किया सवाल, कहा क्या मीडिया से मेरे घर आने और बयान लेने के लिए अनुमति की उम्मीद करना कुछ ज्यादा है। बिहार में विश्वास मत से पहले राजनीतिक हलचल तेज, आज 10 बजे बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। आज शाम 5 बजे बीजेपी विधायकों की बुलाई गई है बैठक, विश्वास मत के दौरान रणनीति पर होगी चर्चा। बिहार में लंच डिनर डिप्लोमेसी तेज, नीतीश कुमार के धड़े के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से दोपहर का भोज। शक्ति परीक्षण से पहले तक विधायकों को एकजुट रखने की कवायद, नीतीश धड़े के लिए आज डिनर का इंतजाम विजय चौधरी की तरफ से। 19 फरवरी की शाम खुद नीतीश कुमार देंगे विधायकों को रात्रि भोज। बीती रात विधायक विनोद सिंह ने नीतीश समेत आरजेडी और कांग्रेस विधायकों को दिया था डिनर।
बिहार में शक्ति परीक्षण से पहले जेडीयू ने मांझी कैबिनेट के साथ मंत्रियों को पार्टी से निकाला। पार्टी के आदेश के बावजूद मंत्री पद न छोड़ने पर हुई कार्रवाई। जेडीयू से निकाले गए मंत्रियों में शामिल हैं नरेंद्र सिंह, कृष्ण पटेल, महाचंद्र सिंह, सम्राट चौधरी, भीम सिंह, नीतीश मिश्र और शाहिद अली खान। निलंबन पर बोला मांझी खेमा, नर्वस होंगे नीतीश कुमार। जो पार्टी अभी बन गई है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, ना वो वहां के लोग को संविधान का ज्ञान है, न कहीं किसी तरह से कौन काम किस तरह से होगा इसकी चर्चा लोग करते भी नहीं है। नीतीश कुमार पर बीजेपी के सुशील मोदी का हमला, कहा 2000 और 2001 में बगैर नीतीश के विश्वास मत हासिल किए राज्यपाल ने पढ़ा था अभिभाषण। नीतीश समर्थक जेडीयू विधायक वैद्यनाथ साहनी का सीएम मांझी के बेटे संतोष पर आरोप, कहा संतोष विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जीतराम मांझी के बीजेपी में आने को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म, सुशील मोदी ने अमित शाह से की बात, पार्टी के कुछ नेता इसके खिलाफ। आरएसएस ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किल, दिल्ली में किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने के फैसले को ठहराया गलत। संघ ने पांचजन्य में साफ शब्दों में लिखा, दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का पार्टी को भुगतना पड़ा खामियाजा। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पीडीपी में फंसा पेंच, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा पार्टी एजेंडे से नहीं होगा समझौता। बीजेपी पीडीपी के बीच आड़े आ रहे हैं धारा 370 और AFSPA जैसे मुद्दे। आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, विपक्ष के हंगामे के आसार। कानून व्यवस्था और बिजली पर अखिलेश सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान भी बनेगा मुद्दा। टीएमसी नेता मुकुल राय ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में लिया हिस्सा। मुकुल के टीएमसी छोड़ने पर समर्थक विधायकों और सांसदों की फूट का है खतरा, ममता ने एक और पार्टी महासचिव की नियुक्ति की, पहले मुकुल टीएमसी के एकमात्र राष्ट्रीय महासचिव थे। धार्मिक हमलों पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा किसी धर्म के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं, सभी धर्मों का सम्मान हमारी पहचान। अ गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ एनी रिलीजियस ग्रुप बिलोंगिंग टू द मेजोरिटी और द माइनॉरिटी टू इंसाइट हेट्रेड अगेंस्ट अदर्स ओवरटली और कवर्टली। वी कैन नॉट एक्सेप्ट वायलेंस। हरियाणा में सीएम खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच उभरे मतभेद, किया तंज भरा ट्वीट, मेरे विभाग का ध्यान मुख्यमंत्री रख रहे हैं, मैं निश्चिंत हूं, धन्यवाद। अनिल विज को पंचकुला में हॉस्पिटल उद्घाटन का नहीं मिला था न्योता, इससे पहले भी कई विभागीय मौकों पर हुई उपेक्षा। पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले की कल्याणी यूनिवर्सिटी में टीएमसी समर्थकों का आरोप, रजिस्ट्रार और कुछ प्रोफेसर्स ने की गाली गलौज, पीड़ित शिक्षकों ने वीसी से मांगा इस्तीफा। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले हिताची लिमिटेड के प्रेसिडेंट तोशियाकी हिंगाशियारा, हिताची ने किया था मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने का ऐलान। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले बांग्लादेश के गृह सचिव मुजम्मिल हक खान, सचिव स्तर की बात में शामिल होने आए हैं खान। ओमान के पहले आधिकारिक दौरे पर मस्कट पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, दो दिन के दौरे में ओमान के साथ परस्पर हितों पर होगी बातचीत। श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना ने बोधगया के महाबोधि मंदिर में की प्रार्थना, बोधि वृक्ष के नीचे घंटे भर बिताया वक्त। तिरुपति में आज तड़के श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा, तिरुपति में सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
हिमाचल में स्वाइन फ्लू से हुई पहली मौत, सोलन का रहने वाला था मृतक, स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक। हिमाचल में करीब 36 मरीजों में स्वाइन फ्लू की आशंका, 6 लोगों की जांच में H1N1 पॉजिटिव पाया गया। इलाहाबाद के ट्रिपल आईटी में भी स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया, कॉलेज प्रशासन ने बनाई 4 डॉक्टरों की टीम। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मद्देनजर बढ़ी वैक्सीन की मांग, नहीं हो पा रही है दवा की पूर्ति। दिल्ली में बच्चों के इलाज में भी परेशानी, नहीं मिल पा रहा है स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए बच्चों को दिया जाने वाला सीरप। अलीगढ़ में स्वाइन फ्लू की वजह से 25 फरवरी तक यूनिवर्सिटी बंद किए जाने पर सवाल, चांसलर वाइस चांसलर। स्वाइन फ्लू की वजह से जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में छुट्टी, 1 मार्च के बाद खुलेगा कॉलेज। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर जारी रहा, अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत, जयपुर में 1 महीने में 50 लोगों ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राइवेट लैब में स्वाइन फ्लू की जांच पर लगाई रोक, कुछ मामलों में सामने आई गलत रिपोर्ट। अहमदाबाद में रोजाना 400 लोग आ रहे हैं जांच कराने, बाहर से खरीदी गई दवाइयां, सरकार का दावा हालात काबू में। आज से मेलबर्न में टीम इंडिया शुरू करेगी दक्षिण अफ्रीका से भिड़ने की तैयारी, आज से शुरू होगा रणनीति बनाने का काम। पाक पर जीत के बाद रिलैक्स मूड में टीम इंडिया, मेलबर्न में शॉपिंग करते दिखे अक्षर पटेल। सचिन की टीम इंडिया को 2-2, कहा पीछे छोड़ो जश्न, अब फिर से जाबाजी दिखाने की बारी, पहले मैच के प्लेइंग 11 को बरकरार रखने की भी दी नसीहत। वीवीएस लक्ष्मण ने भी बढ़ाया धोनी टीम का आत्मविश्वास, कहा दक्षिण अफ्रीका को इस बार मात देगा भारत। 1992, 1999 और 2011 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका से हार गई थी टीम इंडिया, मेलबर्न में हिसाब पूरा करने की उम्मीद। मंगल पर बस्ती बनाने के प्रोजेक्ट के लिए आए आवेदन में से 100 लोग पहुंचे अगले राउंड में, उम्मीदवारों में 50 महिला और 50 पुरुष। कोयम्बतूर की श्रद्धा प्रसाद भी इस लिस्ट में शामिल, श्रद्धा प्रसाद के साथ 2 और भारतीय भी मिशन मंगल के लिए चुने गए। मंगल के लिए ये ट्रिप वन वे होगा, यानी दोबारा धरती पर लौटने का नहीं होगा कोई इंतजाम। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में 10 कारों की टक्कर, एग्जिट ढूंढने के चक्कर में हुआ हादसा। वॉशिंगटन में भारी बर्फबारी, स्नो बॉल फाइट के लिए उमड़े लोग।